जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर के बैनर तले दर्जनों अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर महोबा में पुलिस की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर दो अधिवक्ताओं के द्वारा आत्महत्या किए जाने से नाराज अधिवक्ताओं ने शनिवार को एडीएम प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया तथा अधिवक्ताओं के परिजनों को उचित न्याय दिलाने के साथ ही आर्थिक मुआवजा और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी अटल ने कहा, ये महोबा और मेरठ में एक विधायक और माफिया पुलिस अधिकारी सीओ और एसओ के परेशान करने से, पीड़ित करने से क्षुब्ध होकर के दो अधिवक्ताओं मुकेश पाठक और ओंकार तोमर इतना इन लोगों ने उत्पीड़ित किया कि आत्महत्या को विवश हो गए। इसी घटना के विरोध में उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, अधिवक्ताओं के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा सरकार दे, परिजन को सरकारी नौकरी दे, इन मांगों को लेकर के यह ज्ञापन आपको दिया जा रहा है। आप इसे शासन को भेजवाने का कष्ट करेंगे। आप पत्र प्राप्त हुआ है, इसे सम्मान शासन को भिजवा दिया जाएगा। धन्यवाद। अमिताभ त्रिपाठी अटल, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता एसोसिएशन मेरठ और महोबा में क्रमशः ओंकार तोमर और मुकेश पाठक, इन दोनों अधिवक्ताओं ने पुलिस के संरक्षण में माफिया और इनके विधायक इनके उत्पीड़न से त्रस्त होकर के आत्महत्या कर लिया। उसी ये आत्महत्या उनकी स्वैच्छिक नहीं थी, सुसाइड नोट के अनुसार वो पीड़ित होकर के आत्महत्या की, इतना प्रताड़ित किए गए कि आत्महत्या का निर्णय मजबूरी में लिया। और इसी घटना के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज यह सभी पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर अधिवक्ता विरोध दिवस मना रहे हैं और संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दे करके सरकार से उत्पीड़न करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ का मुआवजा राशि और उनके परिजन को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग के साथ आज यह ज्ञापन पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने दिया है।